हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, 178 रुपीज़ वाला शेयर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव। अभी ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ये कंपनी के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें पॉजिटिव बातें तो बहुत है फिलहाल, पर इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। देखो, समझो आपने इंट्राडे में 500 रुपये प्रॉफिट किया, 500 रुपये प्रॉफिट किया, तो उसमें से 200 रुपये के ये शेयर लेने के। फिर से एक बार सुनो, 500 रुपये का अगर प्रॉफिट किया तो उसमें से 200 रुपये के शेयर लेने के हैं। इसमें अपने हार्ड अर्न मनी मत लगाओ, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट करते करते हमें 100 शेयर अपने पोर्टफोलियो में करने हैं। अभी ऐसा मैंने क्यों कहा वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए एंड तक। देखो, अभी पहले हम विजिट करते कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से इनका काम है। इसके फाउंडर देख सकते हो, बी मल्ला रेड्डी। और चलो, ये फाउंडर से तो हमें कुछ लेना देना नहीं इतना ज्यादा, पर इनके काम क्या है, हाइड्रोमेट्रोलॉजी, मेकिंग ऑफ इंडिया के तहत इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, वो इनमें से ये एक कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इनकी। इनके अगर प्रोडक्ट्स देखें तो डिफेंस, स्पेस, मीटियोरोलॉजी, होमलैंड सिक्योरिटी एंड सिस्टम। तो देखो, इसमें स्पेस में क्या आता है, ग्राउंड बेस एंड फ्लाइट मोड, और डिफेंस में आता है रडार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेट्री। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके अगर प्रोडक्ट्स देखा जाए तो बहुत नंबर ऑफ वैरायटी प्रोडक्ट्स इनके पास है बनाने के लिए। तो ये कंपनी अभी, इसके अगर और फंडामेंटल हम देखते हैं तो उस हिसाब से मैं बोला आपको कि आपने जो प्रॉफिट किया है उसमें से एक दो शेयर इसके लेते रहने के। अगर कंपनी के फंडामेंटल हम देखते हैं तो देखो, 1452 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का P 50 का है और इसकी फेस वैल्यू है 2। इनका काम क्या है, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सब सिस्टम ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस, मीटरोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो कंपनी का काम बहुत बढ़िया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और इनका डिविडेंड पे आउट भी काफी बढ़िया है। अभी हम इनके सेल्स देखते, अगर इसके कंपेयर में देखा जाए तो एजीसी नेटवर्क है, एचएफसीएल है, आईटीआई है। आईटीआई तो चलो अच्छा है। सेल्स देखो, 99 करोड़ से 110 करोड़, फिर 181 करोड़, फिर 251 करोड़। सेल्स हमें कंटिन्यू इंक्रीज दिख रहे हैं। प्रॉफिट भी देखो, सेल्स इंक्रीज हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, 4 करोड़ से फिर 1 करोड़ आया था, 1 करोड़ से 22 करोड़, फिर 48 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बैलेंस शीट देख लेते, बैलेंस शीट इनकी कैसी, देखो बैलेंस शीट में रिजर्व 17 करोड़ के इनके पास वो तो है, पर देखो 541 करोड़ की रिजर्व से, सॉरी वो शेयर कैपिटल 17 करोड़ है, 541 करोड़ के रिजर्व से, और उनके सामने बोरोइंग है 122 करोड़। तो अगर कंपनी चाहे तो इनके जो कर्जा है इनके ऊपर वो जीरो कर सकती है। अभी देखो, इसकी सबसे मेन बात क्या है, प्रमोटर का हिस्सा है 8.98, ठीक है। प्रमोटर थे 10%, फिर हो गए 9%, फिर 8%। तो प्रमोटर के पास बहुत कम हिस्सा है, पर बात ऐसी नहीं है कि प्रमोटर के पास कम हिस्सा है। देखो, हमेशा से 2018 से 13% था, फिर 12 कर दिया, फिर 9, फिर 10, फिर 9, अभी 8.98, मतलब ऑलमोस्ट 9 कर दिया है। पर उसके सामने देखो, FIs ने खरीदा है, 0.48 था तो 0.59 किया, फिर 0.98 किया, फिर 1.04% किया। तो FIIs इस पे बुलिश है। और DIs ने देखो, DIs मतलब घरेलू इन्वेस्टर ने कंटिन्यूस में माल बेचा ही है अभी तक, 23% थे तो 16% हो गए, फिर 13 के रेंज में, फिर 11 के रेंज में, फिर 10, 8, 8.94, 8.02 से अभी 4.95। तो DIs के पास 4% हिस्सेदारी है और पब्लिक यहाँ पे बाइंग करी जा रही है, 81% से 85% माल इसमें पब्लिक के पास है। तो ये है एस्ट्रा माइक्रोवेव।
अभी हम इसके आज की डिलीवरी की बात की जाए तो देखो आज के दिन में शेयर ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाई, 57% शेयर डिलीवरी में उठाए गए। टोटल 27 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 15,75,000 शेयर डिलीवरी में जाते हैं, इसमें इसका मतलब 57.81% डिलीवरी होती है। आज के दिन में देख सकते हो शेयर ने मस्त एक मूवमेंट लगाया, इसने लो लगाया था 166 का और हाई लगाया 184 का, तो इंट्राडे मूवमेंट भी इसमें आज अच्छी खासी 20 पॉइंट की इंट्राडे मूवमेंट आपको देखने मिल चुकी है। अब इसने इस शेयर ने आज तक रिटर्न कितना दिया है लोगों को, देखो पी काफी महंगा है पर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न काफी बढ़िया है। 1 मंथ में 44% रिटर्न दिया है शेयर ने, 1 मंथ में सिर्फ 44%, 3 मंथ में 37, पर 1 ईयर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न 1 ईयर में शेयर ने दिया है पिछले 1 ईयर में। और कंपनी तो देखो कंपनी काफी पुरानी, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हो देखो 2004-5 की कंपनी है और लिस्ट होने के बाद ये ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, यहां से 50 रुपीज से बढ़ते बढ़ते अभी 178 आ गई। इसका मैं इंटरेस्टिंग चार्ट क्यों बोल रहा हूं, देखो ये शेयर अभी कंटिन्यू रैली कहां तक देगा, ये इसका ये जो ऑल टाइम हाई है 199 का लेवल, इसका ऑल टाइम हाई है, तो अभी अगर किसी ने एंट्री ली होगी नहीं ली होगी तो 195 तक आप रुक सकते हो, 195 के आसपास आपको करना है रिव्यू की शेयर में हो क्या रहा है। फिर अगर ये ब्रेकआउट होता है 199.67 के ऊपर अगर फोर्स ब्रेकआउट होता है तो ये शेयर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। और इतने सालों का ब्रेकआउट मतलब 2005 का ब्रेकआउट अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबा ब्रेकआउट होगा। आज के दिन में शेयर ने क्या किया, मतलब कुछ दिनों से क्या किया, ये जो 165 की लेवल थी 165 पे ये रिजेक्शन फेस कर रहा था, यहाँ से ये निकल नहीं रहा था बहुत दिनों से, एक ही मतलब एक ही रेंज में चल रहा था। अगर हम डार्वस बॉक्स भी ड्रॉ करते हैं यहाँ से तो आपको पता चलेगा, देखो ये लेवल के अंदर शेयर ट्रेड कर रहा था कब से, 2014 से लेके 2021 तक, इतना मतलब जो भी रुका होगा मतलब हैट्स ऑफ वो बंदे को जितना भी कोई भी रुका होगा, तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है इसने, कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन कैंडल देके इसके ऊपर अभी ब्रेकआउट हो गया तो हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 165 का स्टॉप लॉस, यहाँ से कंफर्टेबल होगा। पहला टारगेट इसमें हम लगा सकते हैं 195 से लेके 196 तक हम इसमें अपना पहला टारगेट लगा सकते हैं। और वहां पे अगर आपको वॉल्यूम बेस दिखा, वॉल्यूम बेस बाइंग अगर दिखती है एस्ट्रा माइक्रो में वेव में तो ये 200 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा, तब ये खुले नीले आकाश में होगा और ऊपर के टारगेट इसके बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, क्योंकि ये शेयर का काम जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है और मेक इन इंडिया के तहत इनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये रहा अपना ओवरऑल एनालिसिस एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स पे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।